इस छठ पूजा के शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे धनसोई थाना के थाना प्रभारी श्री कमल नारायण पांडे जी, साथ में इस कार्यक्रम को सुशोभित करते हुए हमारे प्रखंड के अंचलाधिकारी राजपुर के श्रीमान, साथ ही इस महोत्सव उत्सव के उपलक्ष में हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भाई उपेंद्र सिंह जी, साथ ही इस उत्सव महोत्सव के प्रांगण में उपस्थित हमारे पंचायत के प्रचंड सरपंच प्रतिनिधि महंत चौधरी जी, हमारे ग्राम के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात पंडित श्री रंगनाथ चौबे जी, साथ ही इस पूजा स्थल पे उपस्थित सभी सम्मानित आदरणीय मेरे अभिभावकगण, मताई बहनों, नौजवान साथियों, मैं तमाम बंधुओं का इस महोत्सव के, इस उत्सव के, इस पर्व के अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही इस पूजा समिति, सूर्य पूजा समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, पदाधिकारी गण हैं, मैं सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। मित्रों, यह भारत वर्ष जो देश है, यह देवी देवताओं का देश रहा है, ऋषि मनुष्यों का देश रहा है। इस भारत के भूमि पर आवश्यकता के अनुसार भगवान स्वतः अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और वही ये उपदेश देते हैं कि मानव जीवन में हमें क्या करना चाहिए, मानव का क्या कर्तव्य होता है। ये हमारे पुराण, वेद, शास्त्र सब है, उपनिषद सब है, हमको सिखलाते हैं, बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो मैं पुनः, ये राजनीति के मंच नहीं है, मैं पुनः छठ मैया से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, उनके चरण कमलों में सस्तान दंडवत करते हुए मैं निवेदन करता हूँ, इसी तरह का भाव, उत्साह, प्रेम, स्नेह आपका हम सभी लोगों पर बना रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।